हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ कानून की बातों में। आज बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज के ऑर्डर की। 14 पेज का ऑर्डर है चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा का। और आप देखिए कितना अजीब लग रहा है कि पेटिशनर में के मामले में लिखा है इन रे बैनर्स प्लेस्ड ऑन दिल्ली साइड इन द सिटी ऑफ लखनऊ, रिस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ यूपी और काउंसिल फॉर पेटिशनर सो मोटो। कोई वकील नहीं हुआ कोर्ट के सामने पेश। ये जो 60 लोगों के खिलाफ लखनऊ में बैनर्स और पोस्टर्स होर्डिंग्स लगा दी गई उनके नाम और पर्सनल डिटेल्स दे के, कि ये लोग जो थे 19 दिसंबर 2019 में जो CAA के विरुद्ध प्रोटेस्ट हुई थी और जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी कुछ डिस्ट्रॉय हुई या प्राइवेट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई, उसके अगेंस्ट चीफ जस्टिस ने खुद इसका नोटिस लिया। बहुत लोग अक्सर हमारी न्यायपालिका से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कहते हैं कि उनको न्याय की उम्मीद न्यायालयों से नहीं है। तभी अचानक ऐसा होता है कि कोई एक बेंच, कोई एक जज जो है वो आपका न्यायालय में और रूल ऑफ लॉ में और हमारी जुडिशरी में विश्वास जो है वो फिर से पैदा कर देता है। 1975 में ये हो चुका है। इंदिरा गांधी बहुत मजबूत प्राइम मिनिस्टर थी, बहुत पावरफुल थी, बहुत बड़ी मेजॉरिटी उनके साथ थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक सिंगल जज जस्टिस सिन्हा ने उनके रायबरेली के इलेक्शन को क्वैश कर दिया। अब आप ये देखिए कि ये जो मैटर है इसको पढ़ने में अच्छा लगता है। दूसरे ही पैराग्राफ में जज ने कहा है, लर्नेड जजेस ने, कि प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज्ड इन द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड मैनी अदर इंटरनेशनल एंड रीजनल ट्रीटीज। कई दिन से देश में ये डिबेट हो रही है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स भारत में एप्लीकेबल हैं या नहीं। जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंसीज हैं उनका कोई लोकस है किसी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के भारत में, या वो इंटरनल मैटर है भारत के? देखिए, भारत की सबसे बड़ी जो हाई कोर्ट है, 150 जजेस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो पहली लाइन अपने ऑर्डर में लिख रहे हैं इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स की, यूनाइटेड नेशंस की। और आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो होर्डिंग्स लगी हैं इनसे खतरा पैदा हुआ है पूरे एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को, और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को अगर स्लाइट इंजरी भी हो गई तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो दर्ज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगी। क्वेश्चन वो ये एग्जामिन कर रहे हैं कि ये जो डिस्प्ले ऑफ फोटोग्राफ्स, नेम एंड एड्रेसेस हुआ है 60 लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लखनऊ ने किया है, क्या ये लीगल है? अब ये वो लोग हैं जिनके बारे में ये कि इनसे कंपनसेशन मांगा गया है जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ है। कुछ इंटरनेट चैनल्स ने इस बात को लिया, अखबारों में कुछ आ गया 6 और 7 मार्च में। कोर्ट ने इसको सो मोटो ऑन द फेस ऑफ इट निजता के अधिकार और राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन मानते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ को, कमिश्नर को, सरकार को तलब किया। संडे में अदालत बैठी। देखिए, इन जजेस को सलाम करने को दिल चाहता है कि जब रूल ऑफ लॉ की बात आ गई तो वो संडे में अदालत लगाई। मैंने प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन पे जब नोटिसेज इशू हुए थे पूरा एक वीडियो बना दिया था, आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव थी। मैंने कहा था उसमें कि रूल ऑफ लॉ रूल बाय लॉ से डिफरेंट है। मैंने उसमें कहा था कि ये एक बहुत कंसर्न की बात है कि यूपी में इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ जा रहे हैं, ठोक दो चीफ मिनिस्टर की तरफ से। ये बात जो है, अब आप देखिए कि हाई कोर्ट जो है वो इस पे उसी तरफ जाने की तरफ कम से कम है। अब यहाँ पे हमारे एडिशनल एडवोकेट जर्नल जो थे और एडवोकेट जर्नल, उन्होंने सबसे पहले बात क्या मानी, कोई लॉ नहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार, ये राइट देता हो कि लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन और उनका नाम और फोटो पब्लिक में रख दिया जाए। बात खत्म हो गई, ये केस यहीं पे खत्म हो गया। यानी यूपी गवर्नमेंट बिल्कुल लॉ के खिलाफ गई थी, कोई लॉ उनको वो अधिकार देता ही नहीं है।
उसके अलावा भी उन्होंने कुछ आर्गूमेंट्स लिए, लेकिन ये सारे आर्गूमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किए। सबसे पहला उन्होंने आर्गूमेंट तो ये लिया था कि भाई ये लोग कोई गरीब लोग नहीं हैं, ये तो बड़े अच्छे वेल कनेक्टेड इलीट है सोसाइटी की, कोई रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, कोई जर्नलिस्ट है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मैटर नहीं है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि साहब ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की इलाहाबाद वाली बेंच को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये तो लखनऊ वाली बेंच का ज्यूरिसडिक्शन है। तीसरे उन्होंने ये कहा कि साहब ये देखिए कि ये लोग जो हैं, ये इनकी ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी गई कि इससे और लोग जो मिस्चिफ मॉन्गर हैं और जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उनको डेटर करने के लिए ये हमने काम किया है। ये डेटरेंस की थ्योरी में ही हम अभी तक जो हैं रखे हुए हैं डेथ पेनल्टी को, जब के पूरी दुनिया में आज तक कोई रिसर्च ऐसी नहीं हुई जिसने ये साबित किया हो कि डेथ पेनल्टी से कोई डेटरेंट इफेक्ट होता है। अब इसमें हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल थे उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट किया, स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब पीआईएल तभी कोर्ट को देखनी चाहिए जब क्रेडेंशियल्स ऑफ पेटिशनर्स वेरीफाई हो जाएं, जब कोर्ट को प्राइम फेसाई ये लगे कि साहब जो कंटेंट्स ऑफ पेटिशन है वो करेक्ट हैं और कोई सब्सटेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। वैसे तो ये बातें मजाका खेज हैं क्योंकि यहाँ कोई पेटिशनर नहीं है, खुद चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया है कोर्ट को कि ये पीआईएल फाइल की जाए, इसलिए जो भी केस कोर्ट किया गया ये रेलिवेंट नहीं है। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने खुद इस बात को माना कि हमने इस केस में अपना माइंड अप्लाई किया है और ये पीआईएल है फॉर द रिड्रेसल ऑफ जिन्यून पब्लिक हार्म और पब्लिक इंजरी। ये भी कोर्ट ने माना, जो मैं आपसे कह चुका हूं पिछले वीडियोस में भी कि आमतौर से अदालतों को सो मोटो काम नहीं करना चाहिए। वही बात बिल्कुल लिखी है चीफ जस्टिस ने कि जुडिशरी को उन्हीं केसेस को सुनना चाहिए जो उनके सामने आए, लेकिन अगर कहीं ग्रॉस नेग्लिजेंस है ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट, वेयर द लॉ इज डिसोबेड एंड पब्लिक इज पुट टू सफरिंग एंड वेयर प्रेशस वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर सब्जेक्टेड टू इंजरीज, अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैन वेरी वेल टेक नोटिस ऑफ दैट एट इट्स ओन। बिल्कुल करेक्ट लॉ उन्होंने लिखा है, साफ कहा चीफ जस्टिस ने अपने ऑर्डर में, द कोर्ट्स आर मेंट टू इम्पार्ट जस्टिस एंड नो कोर्ट कैन शट इट्स आईज इफ अ पब्लिक अनजस्ट इज हैपनिंग जस्ट बिफोर इट। ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक इंडिक्टमेंट है योगी गवर्नमेंट का, जो अपने आप को बिल्कुल एक रूल ऑफ लॉ के ऊपर समझ रहे थे कि कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया कि इस केस में लोकस है। और कोर्ट ने यह भी आगे कहा कि इकोनॉमिक स्टेटस उन लोगों का जो इससे इफेक्टेड हैं वो इमेटीरियल है, यहां क्वेश्चन ये है कि क्या फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रहा है, क्या संविधान को खतरा है, और अगर संविधान को खतरा है तो वो हमें ज्यूरिसडिक्शन है। जो दूसरा ऑब्जेक्शन था एडवोकेट जनरल का कि साहब वो लखनऊ वाली कोर्ट सुनेगी इलाहाबाद वाली नहीं सुनेगी, उसको भी रिजेक्ट कर दिया चीफ जस्टिस ने और ये कहा कि यहां मामला एक दो की इंजरी का नहीं है, मामला कॉन्स्टिट्यूशन को इंजरी का है, कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म का है। और उन्होंने फिर यूनाइटेड नेशंस को कोट किया जिसमें यह लिखा था कि पब्लिक ऑफिशल्स जो हैं वो अपने आप विद इन रूल ऑफ लॉ रहें। और ये भी चीफ जस्टिस ने नोट किया कि जनाब अब ये भी खबर छप गई है कि मेरठ में भी ऐसी होर्डिंग लगाई जाने वाली हैं और उसके सिलसिले में यकीनन इलाहाबाद हाई कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन है। एक और सबमिशन एडवोकेट जनरल की ये थी कि साहब जो ये लोग हैं जिनके नाम और फोटो लगे हैं, इन्होंने तो वो कंपनसेशन के जो स्टेट गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग है उसको खुद ही चैलेंज कर लिया है, तो अब हाई कोर्ट को अपने आप इसे देखने की क्या जरूरत है। साफ तौर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये आर्गुमेंट जो है, मैं पढ़ देता हूं सेंटेंस, इन आवर कंसीडर्ड ओपिनियन दिस लिंब ऑफ ऑब्जेक्शन टू इज बिरेफ्ट ऑफ मेरिट इन द इंस्टेंट मैटर, द इशू इज नॉट द कंपनसेशन दैट इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम एनीबडी बट डिपिक्शन ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ पर्सन ऑन अ रोड साइड which may amount unwarranted
इंटरफेरेंस इन प्राइवेसी ऑफ अ पर्सन। यही पूरा मसला जो है एनआरसी पे है। सेंसस के लिए लोग राजी हैं क्योंकि सेंसस में एनोनिमस डेटा होता है, नंबर काउंट होते हैं, वो डेटा किसी से शेयर नहीं किया जाएगा। एनपीआर और एनआरसी के डेटा के बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है, यानी कोई भी किसी की सिटीजनशिप को ऑब्जेक्शन कर देगा और फिर वो डाउटफुल सिटीजन हो जाएगा और वो फिर पिलर से पोस्ट जो है अपनी सिटीजनशिप साबित करता रहे। प्राइवेसी का राइट बहुत अहम है। हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अभी पुट्टू स्वामी केस में ये स्टैंड लिया था कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटवरी राइट है। उसको भी एक 9 जज बेंच ने रिजेक्ट कर दिया था और ये माना था कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और सारे फंडामेंटल राइट्स को साथ में पढ़ा जाना चाहिए था। तौर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में ये भी कहा कि भाई यहाँ कंपनसेशन के मुद्दे पे हम नहीं हैं, उसकी वैलिडिटी यहाँ नहीं चेक हो रही, वो किसी और फोरम में चेक होगी। लेकिन कभी भी स्टेट को ये राइट नहीं है कि वो लोगों की प्राइवेसी वायलेट करे। जजमेंट में चीफ जस्टिस ने नोट किया कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी पावर अवेलेबल है कोर्ट को पब्लिश करने की किसी एक्यूज के बारे में, अगर उसको वारंट इशू हो गया, वो भाग रहा है, कोर्ट के सामने नहीं आ रहा है, तो पब्लिश कर दिया जाता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। इसके अलावा कोई पावर हमारे लॉ में और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सरकार के पास नहीं है कि वो किसी का पर्सनल रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक में कर दे। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि कभी ये सिचुएशन हो सकती है कि भाई आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरत हो, लेकिन उस केस में भी फ्यूगेटिव के मामले में बहुत लिमिटेड राइट होगा। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मलक सिंह कोर्ट किया हाई कोर्ट ने और कहा जो हिस्ट्री टीशीटर्स हैं जिनकी जबरदस्त क्रिमिनल हिस्ट्री है उनके ऊपर भी सर्विलियंस नहीं होगी। यूपी का ही केस है खड़क सिंह का, डकैती के मामले में इन्वॉल्व थे, पुलिस आके रात में नॉक करके पूछती थी भाई खड़क सिंह घर में हो, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने उस जमाने में जो था स्ट्राइक डाउन कर दिया था सीआरपीसी की ये पावर के पुलिस को ये पावर नहीं है, पुलिस को लोगों को रात में सोने देना चाहिए। हाई कोर्ट ने एट लेंथ पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट को कोट किया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पुट्टू स्वामी के कोट किया, खड़क सिंह का जजमेंट मैंने आपको बताया उसको कोट किया और ये कहा कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और स्टेट को उस राइट को वायलेट करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। खास तौर से उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऐसा लॉ अवेलेबल ही नहीं है जिसके तहत स्टेट इस तरह की पब्लिक होर्डिंग में लोगों का पर्सनल डेटा ला सकती है। एक और चीज बड़ी अहम की कोर्ट ने, कोर्ट ने यह बात कही कि अगर स्टेट ये कहती है कि भाई ये जो राइट टू प्राइवेसी है ये कंट्रोल किया जा सकता है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है, तो फिर लिजिटिमेट एम होना चाहिए उसे कंट्रोल करने का, कोई रैशनल ऑब्जेक्ट होना चाहिए अचीव करने का। और बिल्कुल डिमोलिश कर दिया यूपी गवर्नमेंट का केस हाई कोर्ट जजेस ने, उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर आप ये कह रहे हैं कि ये हमने इसलिए पब्लिश किया है कि इनके फोटो देख के और लोग इस तरह के क्राइम्स में जुर्म ना करें, तो यूपी में लाखों लोग हैं जो इनसे बड़े बड़े क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर्स हैं, उनके नाम आपने क्यों नहीं पब्लिश किए और उनके बारे में आपने होर्डिंग्स क्यों नहीं लगाई। मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही एक अच्छा और वेलकम और बहुत जल्दी ये ऑर्डर आ गया। इस तरीके के ऑर्डर्स के आने से लोगों का न्यायपालिका में, रूल ऑफ लॉ में और संविधान में विश्वास बढ़ता है। साइमल्टेनियसली मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी सारी सरकारों को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाली डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ किसी को एब्सोल्यूट पावर नहीं है, चाहे उसकी हाउस में 400 मेंबर हों या 500 मेंबर हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल ऑफ लॉ से हम सब बंधे हुए हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे इस बेल आइकन को क्लिक करें, फेसबुक पर और ट्विटर पर हमें लाइक करें। अब हमने एक ऐप बना दिया है लीगल अवेयरनेस के नाम से, जो आप गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।